मध्य प्रदेश में स्टोर कीपर के पद से रिटायर्ड कर्मचारी के भोपाल विदिशा में ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमारी की। इस दौरान करीब 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। लोकायुक्त एसपी मनु व्यास ने बताया कि अशफाक अली लटेरी का रहने वाला है। वो राजगढ़ के जिला अस्पताल में स्टोर कीपर था। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। लोकायुक्त टीम को अशफाक की फैमिली मेंबर के नाम पर 16 से ज्यादा अचल संपत्तियों का पता लगा। लगभग 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों को लेकर भोपाल विदिशा और लटेरी में जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक की जांच में आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर कई चल अचल संपत्तियों की खरीद के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा अन्य 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों को लेकर लटेरी विदिशा और भोपाल में जांच की जा रही है। लोकायुक्त एसपी का कहना है कि स्टोर कीपर अशफाक अली जब रिटायर्ड हुआ था तब उसकी सैलरी 45,000 रुपए थी। इसके बाद जब टीम ने छापेमारी की जो संपत्तियां मिली वो आय की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। एसपी ने बताया कि अशफाक अली लटेरी में 14,000 स्क्वायर फीट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा था। इसके अलावा वो 3 मंजिला बिल्डिंग में स्कूल भी चला रहा है। लोकायुक्त टीम ने जब भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर अशफाक अली के घर पर रेड की तो अंदर आलिशान इंटीरियर देख टीम दंग रह गई। घर के अंदर मॉड्यूलर किचन, लाखों रुपए कीमत वाला झूमर, फ्रिज, टीवी के अलावा कीमती सोफे और शोकेश मौजूद था। छापेमारी में अशफाक अली के घर से करीब 46 लाख के जेवरात और करीब 20 लाख की नकदी मिली है। कैश गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीटीवी भारत।